वैसे तू अपनी इन्नी बिस्ती करना किसी वास्ते कुछ बचता ही नहीं अपनी आप ही। अच्छा तू प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, अल्लाह तेन जिंदगी दे साडा मान है, तू पाकिस्तान की शान। शीश महल विच कुत्ता वड़िया तो उन्हों कुछ समझ ना आवे, जिस पासे भी वेखता जावे उन्हों कुत्ता ही नजरी आवे। यूं तो पाकिस्तान टेलीविजन ने बहुत बड़े बड़े लेजेंड फनकार मुतारिफ करवाए जो एक से बढ़कर एक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत समेटी, और ये तमाम फनकार नए आने वालों के लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। रेडियो और पीटीवी से अपने कैरियर का आगाज करने वाला ये अजीम फनकार पाकिस्तान का असासा है, जिसने अदाकारी के मिराज को फतह किया। खुद की शख्सियत को किरदार में ढालकर अदा करने में महारत रखने वाला पाकिस्तान का ये बहुत ही अजीम फनकार फरदोश जमाल साहब। इरशाद मियां, जब तवज्जो गैर अल्लाह से हटकर अल्लाह पर मरकूज होती तो बहारें आ जाती हैं। फरदोश जमाल, जिन्होंने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म हर फॉर्मेट में खुद को मनवाया, जिनका शुमार इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड फनकारों में होता है। फरदोश जमाल जैसे फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं। भारत में फरदोश जमाल मेथड के नाम से वहां आने वाले फनकारों को पढ़ाया जाता है, उनकी अदाकारी दिखाकर अदाकारी के फन से मुतारिफ करवाया जाता है। अच्छा शौहर बुरा बेटा होता, मुतवाजन शौहर नाफरमान बेटा। फरदोश जमाल 9 जून 1954 को पिशावर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल किस्सा खवानी बाजार से हासिल की, जो कि एक ऊंचे मुकाम पर वाकया था, जहां से नाटक घर दिखाई देता था। फरदोश जमाल साहब स्कूल में बैठे उस नाटक घर को देखते रहते और अंदाजे लगाया करते थे कि कौन सा अदाकार इस वक्त क्या कर रहा है। उन्हीं को देख देख कर खुद भी अदाकारी का शौक पैदा हुआ। इसके अलावा इस्लामिया कॉलेज पिशावर से इंटरमीडिएट पास किया। शायद ये बात आपके लिए हैरानकुन हो कि फरदोश जमाल साहब गुलकार बनना चाहते थे, लेकिन वालदैन की तरफ से सख्त पाबंदियों का सामना था। टेलीविजन पे पहली जो मेरी अपीयरेंस है जी, वो एज ए सिंगर है गुलकार के। उनको डर था कि फरदोश जमाल इन फजूलियात की वजह से अपनी तालीम अधूरी ना छोड़ दे। जब फरदोश जमाल साहब जवान और बालिग हो गए तो खुद एतमादी में इजाफा हुआ। बचपन ही से फिल्में देखने का बहुत शौक था। ये फरदोश जमाल साहब की खुशकिस्मती भी थी कि उसको अपने वालिद की हिमायत हासिल रही, और यूं 17 साल की उम्र में पीटीवी सेंटर पेशावर पहुंच गए, जहां एक हिंदकू ड्रामा जिसका नाम था बदनामी द टोए उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद रेडियो के साथ वाबस्ता हो गए और स्टेज पर भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 1980 में फरदोश जमाल पेशावर से लाहौर आ गए। 1979 में ड्रामा सिर्फ वारिस का हिस्सा बने, जिसे अमजद इस्लाम अमजद ने तहरीर किया, जबकि गजनफर अली और नुसरत ठाकर इसके डायरेक्टर थे। 13 एपिसोड का ये क्लासिक ड्रामा सीरियल बहुत कामयाब सीरियल साबित हुआ, जिसके कास्ट में आबद अली, महबूब आलम, उज्मा गिलानी, समीना अहमद, फरदोश जमाल जो चौधरी अनवर के किरदार में देखे गए, गयूर अख्तर, निगत भट्ट, ताहिरा नकवी, औरंगजेब लगारी और आगा सिकंदर। इस ड्रामे का शुमार पीटीवी के चंद कामयाब और मशहूर ड्रामों में होता है। अगर वो तेरा यार है तो फिर हमारा भी सजद है। आ मेरे साथ, पूछ रहा हूँ मियाँ जी से कि उन्होंने इसे कहाँ भेजा है। इस ड्रामे में काम करने वाले हर फनकार ने मुस्तकबिल में बामे अरूज देखा, और इन तमाम फनकारों को टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े और मोतबर नाम समझा जाता है। यहाँ से फरदोश जमाल के ना खत्म होने वाले अरूज का ऐसा आगाज हुआ जो आज तक जारी है। अपने हर किरदार में डूब कर उसको अमर कर देने की सलाहियत से माला माल ये फनकार, जिसका कोई सानी नहीं। पीटीवी के साथ आपकी वाबस्तगी लाजम मलजूम बन चुकी थी और पीटीवी के ड्रामों की जरूरत बन गए थे। अगर बात की जाए फरदोश जमाल के चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनके नाम है ड्रामा सिल्क किरण जो 1989 में रिलीज हुआ, अंधेरा उजाला 1985 में, ड्रामा सिल्क मंचले का सौदा जिसे अशफाक अहमद ने तहरीर किया, जो सूफियाना बुजुर्गों की जिंदगी पर बनाया गया एक नायाब सीरियल था जिसमें तसव्वुफ के मुतालिक बताया गया। फरदोश जमाल साहब आज तक सैकड़ों टीवी ड्रामों में काम कर चुके हैं। मजमुई तौर पर 300 के करीब टीवी ड्रामों, 100 के करीब स्टेज ड्रामों, 200 के करीब रेडियो प्लेस और 50 के करीब पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, जिनमें पहली फिल्म 1981 में रिलीज हुई जिसका नाम था मुफ्तबार, जबकि दूसरी फिल्म 1985 में डायरेक्ट हवलदार, 1987 की फिल्म सिलसिला और 1993 की फिल्म चांदी, 2016 की फिल्म रिवेंज ऑफ वर्थलेस जिसमें इंग्लिश, उर्दू और फारसी जुबान का इस्तेमाल किया गया, और फरदोश जमाल साहब इस फिल्म में जरा खान के किरदार में दिखाई दिए। इसी साल 2016 में एक और फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है साया खुदाए जुल जलाल। इस फिल्म में क्यामे पाकिस्तान 1947 की जदोजहद को दिखाया गया, जिसमें फरदोश जमाल, जावेद शेख, मोहम्मद राना, उमर चीमा और निमरा खान लीड रोल में थे। इस फिल्म को ISPR और पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से बनाया गया। इस फिल्म में 65 की जंग के हीरोज के मुतालिक भी दिखाया गया। फरदोश जमाल इस फिल्म में मास्टर रशीद के रोल में दिखाई दिए। फरदोश जमाल साहब पाकिस्तान के वाहिद फनकार हैं जिन्हें 5 पीटीवी की जानिब से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा 1986 में ही सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया।
खैर दा कतल कुंदी दा वात बाबे दी चुप मेरे वास्ते एक सवाल बन गई है जै मेरे हां को भा ला दीती है पर अच्छा सुने कुंदी आसा जो कुछ भी सुने मैं जरूर कोई चक्कर है रमसल प्यारे अफजल खुदा और मोहब्बत ड्रामा सिल हानिया और गुलो गुलजार जैसे कामयाब ड्रामों में भी देखे गए। अगर बात की जाए फरदोज जमाल साहब की जाती जिंदगी के मुतालिक तो वो खुद की उम्र 10 साल बताते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान को 10 साल का बच्चा ही खुद को समझना चाहिए क्योंकि जब वो 10 साल का होगा तो उसके अंदर मासूमियत हर चीज के मुतालिक जानने की ख्वाहिश शरारतें और लड़कपन मौजूद रहेगा। एक गैर शोबिस वुमेन से शादी की जिसमें से 4 बच्चे पैदा हुए जिनमें से 2 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटे बाप को फॉलो करते हुए इसी फील्ड में आए जिनमें एक बेटा हमजा फरदोस जो कि पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है जबकि दूसरा बेटा बिलावल फरदोस जो कि मॉडल है। जमाल साहब ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी बना रखा है जिसका नाम फरदोस जमाल फिल्म्स है। अपने प्रोडक्शन हाउस से मुतद्दद डॉक्यूमेंट्रीज और कमर्शियल्स बना चुके हैं। पिछली 4 दहाइयों से पाकिस्तानी टीवी फिल्म और स्टेज से वाबस्ता रहने वाले फरदोस जमाल को इंडस्ट्री का सीनियर फनकार कहा जाता है जिसे उर्दू पंजाबी पश्तो इंग्लिश समेत फारसी जुबान पर भी मुकम्मल अबूर हासिल है। यहाँ नाजुक जो होगी हाँ बक बक नहीं चाहिए आना जरूर है हाँ खुदा हाफिज़। अपनी तहजीब और सकाफत से मोहब्बत करने वाले इस अजीम फनकार को अल्लाह पाक ने बेपनाह शोहरत और मकबूलियत दी। फरदोस जमाल साहब ने फैसल कुरैश के मॉर्निंग शो में कहा था कि माहिरा खान को अदाकारी नहीं आती और ना ही वो बतौर फिल्मों में हीरोइन के काबिल है, इसको सिर्फ मॉडलिंग करनी चाहिए। और साथ ये भी कहा था कि उसकी उम्र के हिसाब से उसको माँ के किरदार अदा करने चाहिए क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज्यादा है। माहिरा खान के मुतालिक ऐसे कमेंट सुनकर हर कोई हैरान हो गया। एक सीनियर फनकार के मुंह से किसी जूनियर फनकार के मुतालिक ऐसी मनफी बातों से यही महसूस हुआ कि फरदोस जमाल साहब को माहिरा खान से कोई जाती मसला होगा क्योंकि माहिरा खान को पूरी दुनिया जानती है, उसकी अदाकारी और खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। ऐसी बातों से सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी शुरू हो गई जिसमें सीनियर फनकारा असमा अब्बास फ्रंट लाइन पर नजर आई। असमा अब्बास ने फरदोस जमाल की अच्छी खासी बेइज्जती की। इसके अलावा भी बहुत सारे जूनियर फनकारों ने फरदोस जमाल के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की जबकि दूसरी जानब बहुत सारे फनकारों का ये मानना था कि उनकी राय का भी एहतराम करना चाहिए। इस सारे मामले में माहिरा खान ने खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर एक शूटिंग के दौरान माहिरा खान ने लाइट मोड में फरदोस जमाल साहब का नाम लिए बगैर उनको जवाब दिया। फरदोस जमाल साहब कहते हैं कि जो सच्चा आर्टिस्ट होता है चाहे वो पेंटर हो अदाकार हो या गुलकार वो मुनाफक नहीं हो सकता और मैं भी मुनाफक नहीं हूँ। मैंने माहिरा खान के मुतालिक जो कहा था उसको कंट्रावर्शियल बना दिया गया कि हम हर चीज को कंट्रावर्शियल बना देते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज भी वही है। अब शऊर की बात है, अल्लाह जिसको समझ दे दे। दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस मायनाज फनकार को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। पाकिस्तान टीवी स्टेज और रेडियो इंडस्ट्री के लिए आपकी खिदमत नाकाबले फरामोश है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के इस अजीम फनकार के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। तुम ऐसा करो, ये निक्के के पास ले जाओ, उसे करो कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करे, फिर इसे चूने के पानी से धोए और फिर मेथी का बघार लगाकर पकाए। ये तो तौलिया है तार भाई, तौलिया। तो मैं कब कह रहा हूँ ये ओझड़ी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दे। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।